उत्तराखंड में बढ़ती सर्दी को लेकर देहरादून नगर निगम तैयारियां कर रहा है। अपर नगर आयुक्त वीर सिंह बुढ़ियाल का कहना है कि ठंड से बचने के लिए प्रदेश में जगह जगह अलाव रैन बसेरा की व्यवस्थाएं की जा रही है। 37 लोकेशनों पर अलाव की व्यवस्था की गई है। प्रमुख रैन बसेरों पर ठंड से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में कंबल रखे गए हैं, साथ ही इसकी साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। लगातार हम लोग ठंड से बचाव के लिए 37 लोकेशन में हम लोग अलाव की व्यवस्था कर रहे हैं, शाम को डेली दिलवाते हैं। और जो मुख्य मुख्य हमारे ISBT है, सर्वे चौक है, दिलाराम चौक है, मसूरी डाइवर्जन है, और इसके अलावा जो भी हमारे प्रमुख स्थान है, घंटाघर है और यह गुना हॉस्पिटल के सामने है, वहाँ पर हम लोग दिलवाते रहते हैं। और तीन हमारे जो नगर निगम के रैन बसेरा है, एक ट्रांसपोर्ट नगर में है, एक हमारा चूनाभट्टा में है और तीसरा हमारा लाल पुल पर है जो पटेल नगर कहते हैं। और हमारे पर्याप्त मात्रा में व्यवस्था है, बिस्तर है, कंबल है और साफ सफाई का व्यवस्था हमने रखा है। वहाँ भी हम लोग डेली अलाउ करते हैं।